हरे कृष्णा राधे राधे, श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कार्तिक मास मातम पांचवा अध्याय। प्रथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है, अब मैं महीनों के स्नान की विधि और नियम सुनना चाहता हूँ। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियम का वर्णन करता हूँ। आशीवन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रत को प्रारंभ करें। प्रहर भर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा की ओर जाएं। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर की ओर मुख करके भूमि पर तरण बिछावें और सिर को कपड़े से ढक लें। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मलमूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करें। जो मलमूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्धि नहीं करते हैं, उनके मंत्र फलदायक नहीं होते, इसीलिए दातुन करना उचित है। दातुन लाते समय वृक्ष से कह दें कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस मंत्र को पढ़कर गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावें। व्रत के दिन ऐसा ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नौमी, षष्ठी तिथि और सूर्यवार तथा चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के दिन दातुन ना करें। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन ना करें। तदंतर भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधिपूर्वक पुष्प, गंध और तांबुल ले जाएं। वहां भगवान की पद्यादि से स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गाएं। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष को देने वाले हैं। नारद जी बोले, सिरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आक, कनेर के फूल और अक्षत से भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती। जैकुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वाले को करना उचित नहीं है। यथायोग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन पूजन किया है, वह परिपूर्ण हो। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करें, क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ को चले जाते हैं। श्री कार्तिक मास महात्म पांचवा अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा राधे राधे।